बिरला इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली तिरंगा यात्रा। खरखौदा, शनिवार की सुबह हर घर तिरंगा अभियान के तहत बिरला इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने खरखौदा शहर के मटिंडू चौक से लेकर दिल्ली चौक, थाना कला चौक से होते हुए खरखौदा के बस स्टैंड तक हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली और इसके बाद स्कूल पहुंचे। वहीं मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त शैलेंद्र कौशिक ने ध्वजारोहण किया और सभी को संदेश देते हुए बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत बच्चों में काफ़ी उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी दुकान, प्रतिष्ठान, संस्थान व घर आदि पर तिरंगा ध्वज जरूर फहराना चाहिए। वहीं शैलेंद्र कौशिक ने कहा कि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सभी हमारे वीर सपूतों के बलिदानों के कारण ही संभव हो पाया है। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए न जाने कितने भारत माता के वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज उन सभी वीर योद्धाओं को याद करने तथा तिरंगे के सम्मान में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए सभी से अपील है कि वे सभी इस अभियान से जुड़कर 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। वहीं बिरला स्कूल के चेयरमैन कुलदीप दहिया ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज उनके बिरला इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने खरखौदा शहर के मटिंडू चौक से खरखौदा के बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बच्चों में काफ़ी जोश और उत्साह रहा। इस दौरान कुलदीप दहिया का कहना है कि हम शैलेंद्र कौशिक का धन्यवाद करते हैं, जो अपना कीमती समय निकालकर उनके बिरला इंटरनेशनल स्कूल में मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे और सभी आमजन से अनुरोध भी किया कि 16 अगस्त को कोई भी व्यक्ति भारत की आन बान शान तिरंगे का अपमान न होने दे, खुद ही इसकी देखभाल करें, अगर कहीं गिरा भी मिल जाए तो तुरंत उठा ले। इस दौरान स्कूली बच्चों सहित समस्त स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। और मैं भारतीय रेल के मैकेनिकल इंजीनियर के पद से अवकाश प्राप्त। हमारा विशेष लगाव प्राइमरी एजुकेशन पर बच्चों के साथ रहा है और इसी कारण आज आदरणीय चेयरमैन साहब और डायरेक्टर साहब ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया है कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करो, साथ साथ जो भारत पूरे भारतवर्ष में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसका भी बच्चों के बारे में बताऊं, लोगों को समझाऊं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए लोगों ने कितने बलिदान दिए थे, कितने त्याग किए थे तब आज़ादी मिली है और ये 75 वर्षों में हमारा देश मुल्क कितना तरक्की किया है, उन सबको बच्चों के साथ करें। आज के इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बच्चों के द्वारा जो प्रदर्शनी किया गया, सब लेटेस्ट जो आज दुनिया का मुद्दा उन्हीं पर किया गया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है उसमें भारत काफ़ी अभी पीछे है, भारत को काफ़ी काम करना है, उन प्रोजेक्ट को बच्चों ने बनाया है। दूसरा सबसे जो हॉटेस्ट आज दुनिया के साथ ज्वलंत समस्या है वो है पॉल्यूशन पर भी बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया है। तीसरा बहुत अच्छा लगा कि वेस्टेज मटेरियल जो हम रद्दी मटेरियल जो फेंक देते हैं उस चीज़ के रीयूटिलाइजेशन इतने छोटे छोटे बच्चे किए, ये स्कूल की और स्कूल का दिया गया संस्कार के और मेहनत का बहुत बड़ा चीज़ है कि उनको भी यूटिलाइज करना बच्चों सीख रहे हैं। और अभी बच्चों को नेक्स्ट हमारा है बच्चों से मिलेंगे जाकर ऑडिटोरियम में, उनका क्लास में कुछ बताएंगे कि कैसे एजुकेशन है और कैसे एजुकेशन के डेवलप किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन के डेवलप का करना है, हमारा जो वैदिककालीन शिक्षा पद्धति थी उसे अपना के दुनिया विश्व गुरु बन गया है, हम विश्व गुरु थे आज पीछे हो गए हैं, उन्हीं पर बच्चों के साथ आज परिचर्चा करेंगे। सर कहाँ पे और किस स्कूल में ये प्रोग्राम आयोजित करवाया गया? ये बिरला इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हो रहा है प्रोग्राम खरखौदा। आज अमृत महोत्सव जो पूरे भारत में मनाया जा रहा है, आज हमारे बिरला स्कूल ने इसी उत्सव में मटिंडू चौक से लेकर के SDM कार्यालय तक की आज ये अपनी यात्रा निकाली बच्चों ने और ये बहुत ही जोश था बच्चों में आज़ादी के प्रति, सभी के हाथों में तिरंगा और जो सरकार ने हर घर हर तिरंगा जो चलाया हुआ है इसमें पूरे भारत में सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो उसी कड़ी में आज हमारे बिरला स्कूल में भी ये महोत्सव मनाया गया। मैं अनुरोध करूँगा सभी से जिस उत्साह के साथ ये महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें 16 तारीख के बाद जो है कोई भी आदमी अपने तिरंगे को संभाल के रखे, उसको कहीं नाली में या दूसरी जगह सड़क पर ना फेंके, उसको संभाल के रखें, उसका एक अपमान ना हो तिरंगे का, इसलिए अपने तिरंगे को संभाल के रखें। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि जिस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है खुशी खुशी से और उत्साह के साथ उसी तरह से अपने तिरंगे को भी संभाल के रखें। धन्यवाद जी।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।